साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे आपको स्ट्रॉबेरी ग्रुपिंग में दिख रही होगी, तो आज आपसे जुड़ने का मकसद एक ये है कि आपको ये बताया जाए कि कैसे एक वैरायटी जो है वो आपकी इनकम में सहायक सिद्ध होती है। जब हम बात करें किसी वैरायटी की, तो स्ट्रॉबेरी में भी लगभग हमारे पास इटालियन वैरायटीज हैं, कैलिफोर्नियन वैरायटीज हैं, और कुछ वैरायटी जो हैं यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी रिकमेंड की हुई हैं। लेकिन किसी भी एक वैरायटी के ऊपर हम स्थिर नहीं रह सकते, हमें समय के चलते जो यूनिवर्सिटी नई रिकमेंडेशन देती है, जो नई वैरायटियां निकल के आती हैं, उसके ऊपर हम काम करते हैं और किसान भाइयों तक वो वैरायटियां लेकर जाते हैं। आज का जो वीडियो था, इसको बनाने का मेरा मकसद यही था कि मैं आपको ये बताऊं कि हमने ये जो स्ट्रॉबेरी आप देख रहे हैं ये प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर लगी हुई है, इसमें ड्रिप इरिगेशन की फैसिलिटी भी है, लेकिन जो वैरायटी है वो है हमारी चैंडलर। और जब वैरायटी चैंडलर की बात की जाए तो इसका जो फ्रूट वेट है वो आप देखेंगे 15 से 20 ग्राम के बीच आपको दिखेगा, और साइज जो है इसका वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम कंज्यूमर की बात करें, हम भी जब स्ट्रॉबेरी खरीदने जाते हैं तो हम भी ये देखते हैं कि जो बड़े साइज की स्ट्रॉबेरी है उसको हम लें, तो छोटा जो साइज है वो अब जो कंज्यूमर की प्रेफरेबिलिटी नहीं है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप ये देखें कि जो साइंसदान, जो रिसर्चर रिसर्च करके नई वैरायटी बनाते हैं, उन वैरायटीज का कितना योगदान है इनकम को बढ़ाने के लिए। आज हर कोई बात कर रहा है कि फार्मर्स की इनकम को हमें डबल करना है, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि 2022 तक हमें फार्मर की इनकम को डबल करना है। उसमें जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं उनका बहुत खास रोल है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें रिसर्चर रिसर्च करते हैं और नई वैरायटीज लेके आते हैं। उन वैरायटीज का मकसद यही है कि जो लोकल फार्मर हैं वो इनको लगाएं और अच्छी आमदनी कमाएं। इसमें हम अलग अलग जगह से प्लांट मटीरियल लेके आते हैं, उनकी एवेल्युएशन करते हैं और उसमें से हम नई वैरायटी डेवलप करते हैं, या कुछ जगह हम अलग अलग वैरायटीज का क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने के बाद हम सीड्स को लगाते हैं, उसके बाद जो प्लांट मटेरियल तैयार होगा उसमें से जो फ्रूट बनेगा उसके करेक्टर्स को स्टडी किया जाएगा कि क्या वो पेरेंट प्लांट से मिल रहे हैं या उनसे अलग हैं। अगर वो अलग हैं और वैरायटी की परफॉर्मेंस अच्छी है तो फिर हम उसे वैरायटी रिलीज के लिए लेके जाते हैं। इसी तरह स्ट्रॉबेरी में भी हमारा काम चल रहा है। मैं समय समय पर आपसे अलग अलग वीडियो शेयर करता रहता हूं और आपने देखा होगा कि हम उस पर कार्यरत हैं, और आने वाले समय में हम आपसे कोई वैरायटी लेके आएंगे और ये आशा करते हैं कि उस वैरायटी का जो उपयोग है वो आप लोगों के काम आएगा। अब बात अगर हम चैंडलर और नबीला की करें, यहां मैं आपको एक कंपैरेटिव स्टडी बताना चाहता हूं, क्योंकि पहले भी मैंने बताया कि जो आप देखते हैं उससे आप अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो जब आप देखेंगे कि जब इसके फ्रूट की हम बात करें, ये देखिए मेरे पीछे फ्रूट लगा है, इसका साइज आप देख सकते हैं, इस फ्रूट का साइज 20-22 ग्राम से ज्यादा नहीं होगा। और वहीं मैं अगर आप दूसरे फील्ड में आपको लेके जाऊंगा, वहां आप देखिए कि जो हमारी नबीला वैरायटी है उसका जो फ्रूट साइज है वो 70-80 ग्राम के बीच में होता है, और मैक्सिमम फ्रूट साइज वेट जो है वो 110 ग्राम तक जाता है। तो मकसद यही है कि टाइम टू टाइम जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं चीजें, उनका आप यूज कीजिए और उनसे अपनी साथियों, जैसा अभी हमने आपको अंदर पॉली हाउस में बताया कि कैसे चैंडलर को हमने हर तरह का प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में रखा है, ड्रिप इरिगेशन दिया है, लेकिन उसका जो साइज है वो एक वैरायटल करैक्टर है जो 20 या 25 ग्राम से ज़्यादा आप नहीं ले सकते, चाहे जितनी मर्जी उसकी केयर कर लीजिए। उसी के मुकाबले अभी हम दोबारा ओपन कंडीशन में आ गए हैं, ये देखिए यहाँ पर हमने नबीला वैरायटी लगा रखी है जो बाहर ओपन कंडीशन में है। यहाँ पर हर तरह की मौसम की भी मार पड़ रही है प्लांट्स को, कोई स्पेशल केयर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप फ्रूट देखें तो ये देखिए इसका फ्रूट मेरे हाथों में, देखिए गुरविंदर जी थोड़ा फोकस करके दिखाइए आप इसका फ्रूट, तो आप ये पाएंगे कि जब कंज्यूमर को, जब हम ही स्ट्रॉबेरी लेने जाएं इस साइज का लंबा और दूसरा हमें फ्रूट मिलेगा तो हम अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। अगर दो डिब्बी बनी हो, एक में इस साइज की स्ट्रॉबेरी हो और एक में इस साइज की, तो आप बताइए आप कौन सी लेना चाहेंगे। तो मैंने सही पहचाना, आप सभी यही लेना चाहेंगे। तो इसका मतलब यही है कि हमें जो समय पर टेक्नोलॉजी मिलती है, जो हमें वैरायटल एवेल्युएशन करके हमें यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन देती है कि आप कौन सी वैरायटी लगाएं, हमें उसी को ध्यान में रखते हुए उन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए। और जैसे रिजल्ट आपके सामने है, ये रानिया और नबीला दो वैरायटी हैं, उनका फ्रूट मेरे हाथ में है, तो आप सभी को मैं यही कहूँगा
कि जो भी यूनिवर्सिटी आपको रिकमेंडेशन देती है पैकेज ऑफ प्रैक्टिस के थ्रू या जो हमारे किसान मेला लगते हैं वहाँ पर जो हम आपको बातें प्रचार में लेके जाते हैं या हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनके थ्रू आपको जो जानकारी मिलती है तो आप अपनी फार्मिंग में उसको लेके आए। और मैं इस बात को निसंदेह कहने में संकोच नहीं करूँगा कि आपकी इनकम को डबल करने से क्या ट्रिपल होने से भी कोई नहीं रोक पाएगा। तो इसी आशा के साथ कि आज जिस मकसद से मैं आपसे जुड़ा था कि मैं आपको ये बताऊं कि चैंडलर और ये जो रानिया वैरायटी है इनका डिफरेंस क्या है, इनकी फ्रूटिंग कैसे है, अभी मैं आपको लैब में लेके जाऊंगा वहां पर मैं ये बताऊंगा कि इसका एक फ्रूट इसके कितने फ्रूट्स के बराबर है। का यही मकसद था कि आप खुद देखें और सीखें कि हमें वैरायटी जो है उसके ऊपर ध्यान रखना है, अच्छा क्वालिटी का पौधा लेके आना है, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है और वैरायटी वही लगानी है जो हमें रिसर्चर रिकमेंडेशन में देते हैं। आप सभी का शुक्रिया। जय हिंद।